केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर भाजपा ने एक महीने तक देश भर में एक जनसंपर्क अभियान शुरू करने का फैसला किया है। पार्टी 30 मई से 30 जून के बीच पूरे देश में लगभग 50 रैलियां करने की योजना बना रही है। इन रैलियों में आधा दर्जन से ज़्यादा रैलियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 31 मई को अजमेर में रैली के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। नरेंद्र मोदी ने 26 मई को 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और पीएम मोदी ने 30 मई 2019 को दूसरे कार्यकाल के लिए पद की शपथ ली थी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सहित अन्य मंत्री भी इस जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। इससे पहले भाजपा ने सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी। इसके तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अहमदाबाद, राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बेंगलुरु, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लखनऊ, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुवाहाटी, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भोपाल, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हैदराबाद में मीडिया को संबोधित किया। जितेंद्र सिंह ने चेन्नई, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोलकाता, गजेंद्र सिंह ने पटना, उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने जयपुर, स्मृति ईरानी ने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सरकार की उपलब्धियां बताई। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।